तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज मैं क्लास 11 के लिए डेट शीट लेके आया हूँ। वैसे तो ये क्लास थर्ड से लेकर नाइन्थ तक का है, लेकिन मैं आज जो इस वीडियो में जो है 11th क्लास पर फोकस करूँगा, क्योंकि जो हमारा सिलेबस चल रहा है 11th का, तो उसी के ऊपर मैं फोकस करूँगा। क्लास 11th की जो डेट शीट है, कौन सा पेपर किस दिन है, तो उस तरह से तैयारी करेंगे हम। तो आपका जो पहला पेपर है गर्ल्स का, वो 15 तारीख को है, 15 फरवरी को सैटरडे है। तो उस दिन आपका स्किल कोर्स का पेपर है। ये जो है बोथ 15 तारीख को, बोथ मतलब है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए है स्किल कोर्स का पेपर। तो और 17 तारीख को है आपका गर्ल्स का जो है इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कोर गर्ल्स का है 17 तारीख को, 17 फरवरी को मंडे है, उस दिन आपका जो है इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कोर का। तो इंग्लिश के बारे में बात कर लो, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया इंग्लिश का 11th का। तो इंग्लिश का आपका 17 तारीख को पेपर है, तो मैं 3-4 दिन में इंग्लिश के जो ग्रामर है और जो आपके बुक से आने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। पेपर के लिए आपका जो है जो कुछ नंबर है वो मैं इतना है 50% से ऊपर जो है 50 नंबर तक का जो आपका सिलेबस कवर करवा दूंगा। और जैसे आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ग्रामर का बता दूंगा और बुक का बता दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वो करके जाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना है। तो अगला ही पे जो गर्ल्स का था ये 17 तारीख को, जो 19 तारीख को है वो बॉयज़ का है इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश का करवा दूंगा, मैंने बताया। फिर अगला पेपर है 20 तारीख को, 20 तारीख को है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का भी मैंने कुछ नहीं करवाया है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो ना अभी स्टार्ट ही हुआ था तो पेपर आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ आप सिलेबस रोक कर जो है आपका जो पेपर है उसके ऊपर फोकस करूँ, कौन सा किस दिन पेपर है, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं जो आ सकते हैं, तो वो है। तो ज्योग्राफी का भी हम करवाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का जो गर्ल्स का है वो 20 तारीख और बॉयज़ का है 22 तारीख को। तो अगला पेपर है जो है 24 तारीख को है, वो गर्ल्स का जो है 24 तारीख को हिस्ट्री और फिजिक्स का है। तो हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी सिलेबस पूरा करवा रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो वो देख लीजिए जाके, जिस बच्चे ने ना देखा हो तो वो देखे उससे इम्पोर्टेंट। और इतना तो हिस्ट्री का करवा दिया सिलेबस कि अच्छे नंबर आ जाए, और मैं उसके मैप्स बता दूंगा आपको, मैप की वीडियो आएंगी 11th की, तो उसमें बता दूंगा मैप के बारे में। और कुछ लाना हो हिस्ट्री का तो मैं ला दूंगा, अपडेट कर दूंगा पहले ही आपको। और ये तो 24 तारीख था, 25 तारीख को फिजिक्स का और हिस्ट्री का बॉयज़ का है, तो बॉयज़ का है। और 26 तारीख मॉर्निंग का है गर्ल्स का, बुधवार को बिजनेस स्टडी का है, तो ये तो फ़िलहाल नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है ना, मैंने कभी पढ़ा है तो ये कर लेना। वैसे ये मैंने आर्ट्स पढ़ा है, तो जो आर्ट्स के लिए है तो उस सब का तो मैं सिलेबस करवा सकता हूँ, तो ये देख लेना जिस बच्चे के पास है, मैं इसका सिलेबस नहीं करवा रहा हूँ। और मैं बता दूँ डेट शीट तो वैसे 11th के फोकस कर रहा हूँ, जो बच्चे 9th के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, 8वीं के लिए भी, 7वीं के लिए भी, 6ठी के लिए भी, 3री से लेकर जो भी है बच्चे वो देख सकते हैं वीडियो। मैं बता नहीं रहा हूँ लेकिन आप देख सकते हो कि किस दिन आपका कौन सा पेपर पढ़ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैं 11th के ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्लास 11th है इम्पोर्टेंट का, जो हम क्लास 11th पे फोकस करते हैं, तो वो है। और 12th की जिसको डेट शीट देखनी हो तो जय सर है, उनसे कर लेना कांटेक्ट, या उन्होंने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, वो सब बता देंगे वो। मैं 11th का पढ़ाता हूँ। तो आपका मैंने 27 तारीख का बताया था कि ये कौन सा 27 तारीख का बिजनेस का है, और 26 का गर्ल्स का, और 27 को बॉयज़ का है, तो ये देख लेना आप। हिंदी का भी मैंने कुछ नहीं करवाया है, 28 तारीख को पेपर है इसका गर्ल्स का, और बॉयज़ का 29 तारीख को। तो हिंदी का भी करवा दूंगा मैं, ग्रामर करवा दूंगा, और इसके बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवा दूंगा मैं आपको। और 2 तारीख को है आपका
केमिस्ट्री और अकाउंट्सी का, तो ये है, ये भी नहीं करवा पाऊंगा मैं। ये 2 तारीख का है, वैसे सुन लीजिए, बॉयज़ का, गर्ल्स का है जो 2 तारीख को है, और बॉयज़ का 3 तारीख को है। और अगला है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का तो हम सिलेबस चला ही रहे थे, अब उसे मैं रोक कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलाऊंगा पॉलिटिकल साइंस के। और सबसे पहले तो मैं इंग्लिश का करवाऊंगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर आएंगे उसके बाद हिंदी। पॉलिटिकल आपका लेट है तो मैं उसको दूरी रखूंगा अभी, तो जब पेपर आएगा उससे पहले जो बचेंगे टाइम उसमें मैं करवा दूंगा। तो पॉलिटिकल जो है गर्ल्स का जो है 4 तारीख को है, मॉर्निंग शिफ्ट है, वेडनेसडे बुधवार को है, और बॉयज़ का जो है वो 5 तारीख को है। तो देख लीजिए, अगला है मैथ। मैथ तो मैं पढ़ाता नहीं, और वैसे ये 6 तारीख को पेपर है, और गर्ल्स के लिए 6 को और बॉयज़ के लिए 7 तारीख को पेपर है। और इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स 11 तारीख को है बुधवार गर्ल्स का, और 12 तारीख को बॉयज़ का है इवनिंग का जो थर्सडे को। अगला पेपर है फिज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल इसमें भी अभी मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था आर्ट्स होते हुए, क्योंकि मेरे जो है एक अलग ही सब्जेक्ट था टूरिज़्म, तो वो टूरिज़्म मैंने पढ़ा है, फिज़िकल नहीं पढ़ा है। फिर भी मैं इसके बारे में कुछ बता दूंगा इम्पोर्टेंट, क्या कर सकते हैं आप। तो इसका पेपर है आपका 13 तारीख को गर्ल्स का है और 14 तारीख को बॉयज़ का है। अगला पेपर है आपका जो है संस्कृत कोर और बायोलॉजी, तो ये दोनों सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं। और वैसे इसका पेपर है आपका 16 को और 17 को, 16 को गर्ल्स का है, 17 को बॉयज़ का है। 18 तारीख, 18 तारीख को आपका जो पेपर है गर्ल्स का वो होम साइंस का है, तो गर्ल्स ये कर पाएंगी खुद ही, और 19 का बॉयज़ का है, तो ये होम साइंस कर लेना आप। धीरे धीरे ही मैं कराऊंगा, कभी आएगा कि मैं इसका पूरा सब्जेक्ट भी करा पाऊँ, हो सकता है। और आपका जो है 20 तारीख गर्ल्स का साइकोलॉजी है, दोनों ही है, तो गर्ल्स का है 20 तारीख को और 21 को है बॉयज़ का, तो ये सब्जेक्ट हो। और यहीं तक थी ये वीडियो आज के लिए, और ये मैं आपको बता दूं कि अब हम जो है पेपर के जो हिसाब से चलेंगे, किस दिन कौन सा पेपर है वैसे ही वीडियो लाएंगे। अब हमने सिलेबस रोक रहे, आज से आज जो है आपकी इंग्लिश की वीडियो आएगी तो उसे ज़रूर देखना, और हमने गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ग्रुप बना रखा है 11th का, तो उसे ज़रूर देखना, उसमें अगर ज्वाइन होना हो तो आपको हो जाना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।